नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत है आपका अपने चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि मेरे को आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर DSSSB के लिए हम कहाँ से एजुकेशनल साइकोलॉजी करें, शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ें या CTET के लिए कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको बताता था कि NCERT को फोकस करिए। तो पर फिर भी कि सर आप उसके लिए वीडियो बनाइए कोई इस तरह से, तो मैं आपके लिए आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स जो हमारा होगा, अगर आप ये पूरा देख लेंगे और इसके बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे TCF प्रतीक मलिक पे जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वही आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि रहेगी। तो इसका आज मैं लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनको टेस्ट में ये पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो या DSSB हो, KVS हो, NVS हो, या CTET हो, या फिर आपका STET हो, UPTET हो, सुपर टेट हो, रीट हो, या किसी भी हमारे स्टेट का जो स्टेट टेस्ट होते हैं वहाँ इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला टॉपिक आज हम लेके जा रहे हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे लेकिन सब कुछ कवर करेंगे। एक बात और बता दूं, मैंने NCERT को फोकस किया है लेकिन NCERT में कई चीज़ें बहुत शॉर्ट में समझाई गई है, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज से हमारा जो मेन टॉपिक होगा ये होगा इंट्रोडक्शन टू द स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। देखिए इसको बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, इसको कहते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये होता है स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। तो इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, आखिर हम में किस चीज़ की बात करेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर मैं टोटल 9 वीडियोस बनाऊंगा भैया, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे बाहर हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ही नहीं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों, मैं टर्म्स यूज़ करूंगा इंग्लिश में। रीज़न भी बता देता हूँ भाई कि मैं खुद अगर एक बात बताऊँ तो हिंदी भाषा क्षेत्र से आता हूँ, तो आप ये ना समझे कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं समझाऊंगा हिंदी में लेकिन टर्म्स इंग्लिश में यूज़ इसलिए करूंगा क्योंकि हमारी अभी तक कोई साइकोलॉजी की जो कोई भी आप कह सकते हैं कोई स्कूल या फिर हमारा थॉट इस तरह का कोई हमारे इंडियन ने नहीं दिया है जिसका नाम हिंदी पे रखा गया हो, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में होता है। और जब भी आप टेस्ट होता है, टेस्ट में पहले पेपर इंग्लिश में बनता है, उसके बाद में उसका गूगल ट्रांसलेट होता है हिंदी में, तो एक पेपर में वही चीज़ दूसरे नाम से आती है हिंदी में, वही और दूसरे पेपर में दूसरे नाम से, अलग नाम से। तो इस वजह से आपको अगर नाम ही याद करना है तो भैया एक बार ही इंग्लिश का ही नाम याद कर लो, बाकी समझ हिंदी में लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो आज हम किसी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम मेनली ये चीज़ पढ़ेंगे ये क्या क्या चीज़ें थी या क्या क्या था। तो आज इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बाहर जो आपको ये दिख रहा है ना ये गोला, इससे बाहर हमारी साइकोलॉजी नहीं है। जो बंदे हम पढ़ेंगे चाहे तो वो इस जगह से होंगे, इस जगह से होंगे, इस जगह से होंगे, या इस जगह से होंगे, इस जगह से होंगे, हमारे जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं जगह से होंगे, बस हमसे बताया नहीं जाएगा। मान लो मेरा स्किनर का क्वेश्चन आ गया, तो स्किनर कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है, तो बस इन्हीं जगह से क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, या फिर अगर मैं बात करूंगा हमारा बंडूरा, बंडूरा कहाँ से जुड़े हुए हैं, कोग्निटिव की बात करूंगा, पियाजे और वायगोस की, वो यहाँ से उनकी थ्योरी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इनके चारों तरफ ही घूमती है। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, हमें आजकल जो मेनली हमें जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है, बस ये एरिया दोस्तों, ठीक है, बस ये एरिया पढ़ाया जाता है मॉडर्न। लेकिन क्वेश्चन अब देखा जा रहा है अर्ली नोशंस पे भी आ रहे हैं, तो हम इनको भी कवर करेंगे। देखिए अर्ली नोशंस पे अगर मैं बात कहूँ तो एक था प्री साइंटिफिक। प्री साइंटिफिक क्या होता है अगर हम समझे, तो जो हमारा साइंस से पहले था, साइंस से पहले हमारे इसके अंदर चार पार्ट थे, ठीक है, चार पार्ट में एक तो फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट था। फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फिलोसफी हमेशा जरूरी रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि फिलोसफी हर सब्जेक्ट की माँ है, हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फिलोसफी से निकला है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो भी PhD होती है, किसी भी सब्जेक्ट में आप कर लीजिए, तो PH का यहाँ मतलब होता है फिलोसफी, ठीक है। तो आपको तो इसका जो पहला जो
हमारा रहेगा वो फिलोसफिकल रहेगा, जिसके हम डिस्कार्ट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे बंदे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे हमारे इम्पेरिस्टिक, इम्पेरिस्टिक आपका जो जॉन लॉक, आपने DSSB के टाइम पे बड़ा सुना होगा जॉन लॉक के बारे में, तो भैया वो क्वेश्चन यहीं से आया था, वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से सीधा सीधा क्वेश्चन था, लोगों को मिल नहीं रहा था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेटिविस्ट, नेटिविस्ट हमारा कहीं ना कहीं इमैनुअल कांट ने दिया था, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा एसोसिएशनिज्म, ठीक है, एक हमारा मॉडर्न होता है और एक हमारा पुराने वाला होता है, तो ओल्डर वाले के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न वाले के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, इसके साथ में हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेरिमेंटली के बारे में, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल के बारे में भी हमने बात की थी। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मॉडर्न और इनके बीच में डिफरेंस कहाँ होता है, तो देखिए मॉडर्न कहीं ना कहीं ये जब लैब बन गई थी हमारी पहली, ठीक है, उसके बाद में जो हमारे थॉट्स आए हैं उसको हमने मॉडर्न कह दिया, उससे पहले की जो चीज़ें थी वो हमारी प्री साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में जो हमने एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसके अंदर डार्विन वगैरह इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक क्लास मैं इस पे दूंगा, एक क्लास इस पे दूंगा और एक एक क्लास इन सब पे दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी 9 क्लासेज में पूरा होगा दोस्तों। तो आज की जो मेरी क्लास थी यही बताने के लिए थी हमारा किस तरह से कोर्स चलेगा, और इसके अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको लेके चलेंगे, और आपका जो क्रैश कोर्स होगा वो पूरा करवाया जाएगा। इस जो आप आज की वीडियो देख रहे हैं इसका आपको TCF प्रतीक मलिक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये PDF डाल दूंगा मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि इसमें और क्या आप अलग चाहते हैं, और क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इसके बाद में आपका पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।